प्रियंका, आप सभी का स्वागत करती हूँ नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया का खास प्रोग्राम पब्लिक डिमांड। जी हाँ, पब्लिक डिमांड का ये प्रोग्राम बहुत स्पेशल, बहुत खास होता है, जैसा कि हर बार हम आपको बताते हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम में, इस खबर में, इस न्यूज़ में हम आपको बताते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री की वो तमाम बड़ी ऐसी खबर जो कि सोशल मीडिया पर रिलीज होती हैं, गाने, फिल्में। देखिए, बॉक्स ऑफिस पर या सिनेमाघरों में जो भी फिल्में रिलीज होती हैं या कोई भी नई फिल्म का मुहूर्त होता है तो आपको खबर के जरिए बता दिया जाता है। लेकिन जब कोई फिल्म यूट्यूब पर रिलीज़ होता है या कोई गाना यूट्यूब पर रिलीज़ होता है तो वो ज़्यादातर उसके बारे में जानकारी नहीं दी जाती है, या फिर कोई ऐसा छोटा मोटा गाना रिलीज़ होता है उसके बारे में नहीं बताया जाता है। लेकिन अब हम इस बार आपके लिए लेकर आए हैं पब्लिक डिमांड के इस प्रोग्राम में, जहाँ पर हम आपको बताते हैं कुछ ऐसी खबरें जो गाने और फिल्म रिलीज़ होते हैं, साथ ही साथ इसमें हम आपको दर्शकों के उस डिमांड के बारे में भी बताते हैं जो उस गाने और फिल्म को लेकर के उनके बीच बातचीत होती है, उनके दिमाग में जो चीज़ें चलती हैं या कमेंट बॉक्स में उस फिल्म या फिर गाने को लेकर वो लिखते हैं। तो चलिए आज का शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपके लिए जो लेकर आई हूँ वो है खास प्रोग्राम में गाना है एक बहुत ही स्पेशल, जो कि अंकुश राजा का है। देखिए, व्हाट्सअप पे ऐसी बहुत, आप लोग सोशल मीडिया जब चलाते हैं, व्हाट्सअप, फेसबुक, यूट्यूब, तो उसमें एक बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत से ऐसे मैसेजेस होते हैं, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो सीरियस हो, चाहे कोई सोशल मैसेज हो, तो अगर जो उसमें कुछ दम होता है या वो स्पेशल होता है तो वो इतनी तेज़ी से वायरल होता है कि उसके बाद तो फिर उसकी बात इंटरनेशनल, नेशनल लेवल तक चली जाती है। ठीक ऐसा ही हुआ है इस बार। जी हाँ, एक ऐसा छोटा सा वीडियो जिसमें एक शादी समारोह दिखाया जाता है जहाँ पर दूल्हे दुल्हन के बीच जयमाल का सीन चल रहा होता है और उसी बीच दूल्हा अपनी पत्नी की जगह अपनी साली के गले में जयमाल डाल देता है, पहना देता है। ये छोटा सा वीडियो था, आई थिंक ये 1 मिनट का वीडियो भी नहीं है, ये वीडियो छोटा सा था, इसे सडनली इतना ज़्यादा वायरल हुआ, इतना ज़्यादा फैल गया कि ये वीडियो पर अब गाना बन चुका है। जी हाँ, वो गाना उन्होंने अंकुश राजा ने गाया है, जो कि काफ़ी दमदार है, काफ़ी अलग है, और देखा जाए तो इस गाने के व्यूज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। नॉर्मल से एक व्हाट्सअप वीडियो पर इतना लंबा चौड़ा व्यूज़ लेना, इतना अच्छा गाना बना देना, ये बहुत बड़ी कलाकारी है जो कि हमारे अंकुश राजा ने करके दिखाया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले बता दें आपको कि शादी विवाह स्पेशल गीत के नाम से अंकुश राजा ने दुल्हा शराबी करके उन्होंने एल्बम बनाया है, जो कि उन्होंने वेब म्यूज़िक पर 28 मार्च को रिलीज़ किया था, यानी कि कल शाम को ये गाना रिलीज़ हुआ है। अंकुश कुमार का ये गाना अब तक 7,83,000 व्यूज़ क्रॉस कर चुका है। जी हाँ, बिल्कुल एक दिन भी नहीं कह सकते, कुछ घंटों में इस व्यूज़ को इतना 7-8 लाख व्यूज़ पाल लेना किसी गाने पर नॉर्मल से एक वीडियो के थ्रू बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा खबर है ये। और देखा जाए तो अंकुश का ये वीडियो को अब तक 6,500 लोगों ने लाइक किया है, तो 1,000 लोगों ने इस गाने को डिसलाइक भी कर दिया है। वेब म्यूज़िक पर इस गाने को रिलीज़ किया गया था, अब देखते हैं कि इस पर आखिर हमारे अंकुश राजा जी का क्या रिएक्शन है, क्या कहना है उनके फैंस का इस गाने को लेकर। देखिए, सबसे पहले अंकुश राजा का ऑफिशियल साइड से मैसेज आया है, आप सब मेरे भाई लोग इन गाने को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस गाने को नंबर वन बनाएं। ये अंकुश राजा की तरफ से ही मैसेज है, जो कि उन्होंने अपने दर्शकों से इस गाने को नंबर वन बनाने का, व्यूज़ देने का उन्होंने इस पर बात कही है। तो वहीं अब बात करते हैं, आगे चलते हैं। सौम्या सिंह ने लिखा है, नाइस सॉन्ग भैया जी, बहुत वीडियो बहुत गजब का है, यानी कि उन्हें काफ़ी अच्छा लगा है। तो वहीं पर सनी आगे बात देखते हैं, हमारे पास NR म्यूजिक ने लिखा है, नाइस सॉन्ग, गजब बा इस सॉन्ग। तो वहीं पर बादशाह रोहित शर्मा ने लिखा है, लाजवाब अंकुश भैया। जी हाँ, रोहित शर्मा झकास से, मतलब उन्हें ये गाने बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा उन्हें ये गाना। आगे देखते हैं आखिरकार कौन कौन सा है। जी बिल्कुल, प्रीतम तिवारी ने लिखा है, व्हाट्सअप ऐप में घूम रहा था ये छोटा छोटा वीडियो, बनाकर इन्होंने गाना बना दिया। बिल्कुल इन्होंने सही बताया, प्रीतम जी ने बिल्कुल सही कहा है, ये वीडियो पहले व्हाट्सअप पर बहुत तेज़ी से वायरल हुआ, बहुत तेज़ी से फैला और कुछ ही घंटों में ये वीडियो इतना फैल गया कि यूट्यूब पर अब हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री की तरफ से इस पर गाना बना दिया गया है। इस पर गाना अब अंकुश राजा ने लिखा है और गाया भी, और देखिए दर्शकों को ये गाना पसंद भी आ रहा है।
वहीं पर नीतीश ने लिखा है एकदम बोले तो एकदम झकास अंकुश भैया, मैं कोई स्पेशल देख दी, बिल्कुल भोजपुरी हिट की तरफ से लिखा है, सर झुकाने की आदत नहीं है, आंसू बहाने की आदत नहीं है, हम खो गए तो पछताओगे बहुत, क्योंकि हमारे लौट लौट आने की आदत नहीं है। मुझे नहीं पता इन्होंने ये शायरी क्यों लिखी है, लेकिन उनकी तरफ से देखा जाए तो इन्होंने सिर्फ ये शायरी लिखी है। वहीं पर जितेंद्र ने भी इस गाने को काफ़ी पसंद किया है और सुनील कुमार ने भी इस गाने को पसंद किया है, सब ने लिखा है बहुत अच्छा गाना है, बहुत अच्छा ये फिल्म बहुत अच्छी तरीके से इस गाने को दर्शाया गया है। हर किसी के इस पे यही है कि ये वीडियो तो व्हाट्सअप फेसबुक पे चल रहा था, सडनली इस पे गाना कैसे बन गया, ये तो उनके जो फैंस हैं उनके जो दर्शक हैं उनकी तरफ से, यानी मोस्टली हर किसी को ये गाना काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है। और देखा जाए तो कुल मिलाकर इनका ये गाना काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है इनको बाकी के गानों के अकॉर्डिंग। चलिए अब बात करते हैं आगे, आगे में अगर जो देखा जाए तो हमारे सोशल साइट्स पे एक फिल्म का अलग से, इससे पहले वांटेड फिल्म का मोशन पोस्टर भी रिलीज़ हुआ था, जिसमें दो दिन पहले इस पोस्टर को रिलीज़ किया गया था। जी हाँ, वांटेड फिल्म का मोशन पोस्टर रिलीज़ हुआ था, जो कि अब तक 32,000 लोगों ने देखा है और हर किसी का ये कहना है ये फिल्म सत्या के बाद दूसरी सुपरहिट फिल्म होगी और ये नया इतिहास रच देगी। और अगर जो आगे बढ़े हम देखें तो तमाम ऐसे स्टार हैं, तमाम ऐसे लोग हैं जिनके गाने दर्शकों को काफ़ी पसंद आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे व्यूज़ मिल रहे हैं। वहीं पर एक बड़ी खुशखबरी और भी सामने आई है, जी हाँ, और वो खुशखबरी हमारे खेसारी लाल यादव की तरफ से है। जी हाँ, खेसारी लाल यादव का सबसे सुपरहिट हिंदी गाना, बिल्कुल आप सभी को याद होगा, मैं बात कर रही हूँ तुझे दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, जो कि काफ़ी बम्पर हिट रही थी जब ये गाना रिलीज़ किया गया था खेसारी वर्ल्ड वाइज पर, तो दर्शकों की तरफ से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। और आज मैं इस गाने की इसलिए जिक्र कर रही हूँ क्योंकि आज ये गाना 10 लाख व्यूज़ यानी कि 1 मिलियन व्यूज़ को क्रॉस कर चुका है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, खेसारी लाल का ये गाना, जहाँ तक मुझे पता लगा 13 तारीख को ये गाना रिलीज़ हुआ था और एक हफ्ते के अंदर अंदर अब ये गाना YouTube चैनल पर 10 लाख व्यूज़ क्रॉस कर चुका है, यानी कि खेसारी लाल का ये हिंदी गाना दर्शकों को काफ़ी पसंद आया है और देखा पसंद आना भी चाहिए, क्योंकि खेसारी लाल यादव एक ऐसे सुपरस्टार है, एक ऐसे सिंगर है जिनके गाने सिर्फ गानों में वो धुन और वो लिरिक्स ही नहीं होते, वो अपने अंदाज में उस गाने को गाते हैं, चाहे उनका कॉमेडी गाना हो, चाहे कोई रोमांटिक गाना हो, या फिर उसके बाद उनका कोई अलग से बिंदास का कोई अलग से स्पेशल गाना हो, या फिर उनका कोई दर्द भरा गाना हो, हर गाने में उनके बोल अलग होते हैं, उनका धुन अलग होता है और वो बहुत ही अलग तरीके से वो दर्शकों के सामने उस चीज़ को पेश कर देते हैं। तो खेसारी की तरफ से गुड न्यूज़ ये है कि उनका गाना ये रिलीज़ हो चुका, जो रिलीज़ हुआ था तुझे दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, जो कि हिंदी सॉन्ग था पहले, उसे बाद में खेसारी लाल यादव ने भी हिंदी में ही गाया लेकिन अपनी आवाज़ में, और उस गाने को अब तक 10 लाख लोगों ने देख लिया है, जो कि आज के लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज़ कह सकते हैं। तो दूसरी गुड न्यूज़ हमने आपको बता ही दिया, हमारे अंकुश राजा वो अपनी कलाकारी एक छोटे से वीडियो के ज़रिए दर्शकों के बीच दिखा चुके हैं कि अगर जो भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई भी सिंगर कुछ भी चाहे तो कर सकता है, जैसे कि उन्होंने एक छोटी सी कॉमेडी वीडियो को लेकर इतना अच्छा धुन बना दिया, इतने अच्छे लिरिक्स लिख दिए, इतने अच्छे उन्होंने गाना लिख दिया कि अब तक वो 10 लाख से ज़्यादा व्यूज़ क्रॉस कर चुका है और दर्शकों को वो काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आ रहा है। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव का एक और एल्बम रिलीज़ होने वाला है, जिस एल्बम का नाम है बारात में मिली वो। जी हाँ बिल्कुल, शादी का माहौल आने वाला है, शादी का टाइम आने वाला है और खेसारी लाल की तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो तैयारी अभी से ही शुरू कर चुके हैं और अभी से ही दर्शकों के लिए उन्होंने स्पेशली ये चीज़ स्टार्ट कर दी है, ये चीज़ उन्होंने शुरुआत कर दी है। जो गाने आपको शादी ब्याह में सुनने को मिलते हैं वो खेसारी लाल यादव अपनी तरफ से लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए बात करते हैं अंकुश राजा के और गाने की, जो उन्होंने गाना रिलीज़ किया है उसमें स्पेशल और क्या खास है। वो वीडियो 1 मिनट का था लेकिन बाद में अंकुश ने उस वीडियो के साथ तमाम और भी चीज़ें जोड़ी हैं और वो गाना अब कुल मिलाकर देखा जाए तो 3 मिनट समथिंग का है और उसमें हमारे अंकुश राजा ने अलग अलग तरीके से चीज़ों को दर्शाया है कि किस तरीके से शादी समारोह में या शादी के समय पर वहाँ पर किस तरीके से धूमधाम होती है, किस तरीके से मौज मस्ती की जाती है, किस तरीके से वो वहाँ पर एक रीति रिवाज के साथ साथ दो लोगों
गुटों के बीच में आपस में मन मुटाव भी चलता है, ये सारी चीजें इसमें बताई गई है। चलिए आज के खास प्रोग्राम में इतना ही, अब बात करते हैं हम अपने लास्ट कमेंट पे क्या क्या प्रोग्राम में हमारे पास आया। सबसे पहले अमनदीप कुमार ने लिखा है, जियो पवन भैया, अक्षय जी लव यू सो मच। तो भैया अमनदीप का ही दूसरा मैसेज है, आप बताइए ये ऐसा न्यूज़ सुने हम लोग के पवन भैया अक्षय जी दोनों जने साथ में काम नहीं करेंगे, आप जरूर बताइएगा कि न्यूज़ सुनकर क्या लिखकर डालते हैं। हम आपको बता दें अमनदीप सर, ऐसा कोई भी खबर नहीं है कि पवन और अक्षय एक साथ काम नहीं करेंगे, बिल्कुल वो दोनों एक साथ काम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि हर फिल्म में वो लोग एक साथ काम करें। चलिए आज के खास प्रोग्राम में इतना ही, ऐसे ही कमेंट करते रहिए, लाइक करते रहिए और देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।